गुलबर्गा शहर के छोटी दरगाह दियोड़ी रोजा खुर्द के अपोजिट नबी ज्वेलर्स के बिल्कुल करीब इनके गेस्ट हाउस ओपन हुआ है, जहां आपको सिंगल बेड, डबल बेड, फैमिली रूम्स के साथ 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर फैसिलिटी और वाईफाई फैसिलिटी के साथ एसी एंड नॉन एसी रूम्स आपके लिए यहां अवेलेबल हैं। इनके गेस्ट हाउस में आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी रीजनेबल प्राइस में कई सारी सहूलतें दी जा रही हैं। इस गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन जनाब हजरत सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी अलमारूफ अकील बाबा साहब के हाथों किया गया है, और इस मौके पर मेहमान खुसूसी सैयद शाह बाहर हुसैनी अलमारूफ नदीम बाबा साहब और सैयद पाशा हुसैनी कादरी बुखारी साहब के अलावा दीगर कई उलमा इकराम और मशायखीन यहां मौजूद थे। तमाम मेहमानों ने इनके गेस्ट हाउस के प्रोपराइटर जनाब मोहम्मद फारूक हुसैन और मोहम्मद तैयब अहमद के अलावा तमाम ब्रदर्स को रीजनेबल प्राइस में काफी ज्यादा सहूलतों के साथ गेस्ट हाउस ओपन करने पर मुबारकबाद पेश कर दुआओं से नवाजा है। और इस मौके पर इस गेस्ट हाउस के प्रोपराइटर मोहम्मद फारूक हुसैन और मोहम्मद तैयब अहमद ने सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर इस गेस्ट हाउस में मिलने वाली तमाम सहूलतें बयां कर आप सभी से इस गेस्ट हाउस से फायदा हासिल करने की गुजारिश की है। मजीद तफसीलात के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या फिर छोटी दरगाह दियोड़ी रोजा खुर्द के अपोजिट मौजूद इनके गेस्ट हाउस को विजिट भी कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नया गेस्ट हाउस एनके गेस्ट हाउस के नाम से दियोड़ी रोज़ खुर्द के सामने बिल्कुल दरगाह शरीफ के करीब एक इफ्तिताह अमल में आया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुशादा है, अल्हम्दुलिल्लाह रूम भी काफ़ी आरामदेह दिख रहे हैं, जिसमें हमारे फारूक मियाँ, तैयब मियाँ, उनके तमाम भाइयों की मिल्कियत है। अल्लाह बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआगो हूँ कि कारोबार में अल्लाह इनको तरक्की दे, अल्लाह इनको खैर व बरकत दे और इनके कामयाबी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमाईन व अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क है कि लोगों की खुदत के लिए यहाँ आर के गेस्ट हाउस इनके गेस्ट हाउस के नाम से दरगाह शरीफ के बिल्कुल क़ुर्ब व जवार में ये गेस्ट हाउस कायम किया गया है, जिसके पूरे कमरों का मैंने बिल तफसील मुशाहदा भी किया
अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सहूलतों से ये आरास्ता है। और हदीस पाक में भी है कि अहब्बुल खल्की मन अहसनाल्ला, ये पूरी मखलूक अल्लाह का कुंबा है और अल्लाह के पास सबसे ज़्यादा पसंदीदा वो है जो अल्लाह के कुंबे के साथ अच्छा सलूक करे। तो लोग यहाँ ज़ायरीन सफ़र से थके मांदे आते हैं और उनको सहूलतों की ज़रूरत होती है, तो पूरी सहूलतों के साथ ये जो गेस्ट हाउस कायम किया गया है और हमारे ये नबी ज्वेलर्स और उनके पूरे भाइयों की जानिब से ये गेस्ट हाउस बनाया गया है, तो ये महज खिदमत खल्क के लिए है। हम दुआ करते हैं हज़रत तकद्दस मआब सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मद अल हुसैनी साहब क़िबला दामत बरकातहुम अलालिया के फातिहा और दुआ से ये गेस्ट हाउस शुरू किया गया है, जो सज्जादा नशीन है बारगाह हज़रत गंजे बख्श अलैहि रहमत व रिजवान के, और हज़रत तकद्दस मआब सैयद हिदायतुल्लाह क़ादरी साहब सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत हयातुल्लाह क़ादरी साहब रहमतुल्लाह अलैहि अमली महल्ला, और हज़रत फजीलत मआब सैयद शाह कुमैल हुसैनी साहब क़िबला जो बिरादर सज्जादा नशीन हैं वो भी यहाँ जलवा अफरोज़ हैं। तो इन तमाम हज़रात की मौजूदगी में ये गेस्ट हाउस का इफ्तिताह अमल में आया। हम उम्मीद करते हैं कि ये नबी ज्वेलर्स और उनके भाई इंशाअल्लाह अवाम की हत्तल मकदूर खिदमत करेंगे, उनको राहतें पहुँचाएँगे, उनको सहूलतें पहुँचाएँगे, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में दिन दूनी रात चौनी तरक्की अता फरमाए, नज़र बस से महफूज रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम आज इनके गेस्ट हाउस के इफ्तिताह के सिलसिले में यहाँ पर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस गेस्ट हाउस का इफ्तिताह तकद्दस मआब हज़रत सैयद शाह हसन शब्बीर मोहम्मदुल हुसैनी साहब क़िबला और हज़रत सैयद शाह बाकर हुसैनी साहब क़िबला के दस्त मुबारक से इसका इफ्तिताह अमल में लाया गया। लिहाजा तमाम उलमा इकराम और मशायखिने इकराम का हम तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो भी मेहमानान इसमें शिरकत कर रहे हैं उन तमाम का तहदिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। और मैं जनाब फारूक साहब और शेख तैयब अली साहब और उनके तमाम भाइयों को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इन तमाम लोगों को दुनिया और आखिरत में बरकतें अता फरमाए, और हमारे वालिदैन को हम सबको दुनिया और आखिरत में भलाई कामयाबी और आफियत अता फरमाए, इस गेस्ट हाउस में खूब बरकतें अता फरमाए और नज़र बस से महफूज रखे। आमीन बिजाही सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम।